आज कर रहा हूँ मैं अपनी बाइक का रिव्यू आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, 6 महीने हो गए हैं मुझे मेरी शेरनी को चलाते हुए। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया आपने सेकंड सर्विसिंग करा ली, उसके बाद कोई रिव्यू ही नहीं किया, तो मैंने ऐसा सोचा कि रिव्यू करता हूँ। चलिए बाइक की तरफ मुखातिब होते हैं और देखते हैं। तो ये है मेरी TVS Radeon जो कि मैंने 6 महीने पहले ली थी, और साथ में मेरी प्यारी सी बेटी से भी मिली है आप। हेलो, बोलो। हाउ आर यू? बोल। नहीं नहीं, आपको पूछना है। अभी सीख रही है। तो गाइज़, अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ कहीं, बट उससे पहले मुझे आपके लिए रिव्यू बनाना है। तो ये मेरी TVS Radeon है जिसको मुझे लिए हुए हो गए हैं लगभग 6 महीने, यानी 2-4 दिन बाद 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मैंने इसको वॉश नहीं किया है, जस्ट जो कंडीशन में पिछले 10 दिनों से चला रहा हूँ, सिर्फ सफाई करता हूँ, ऊपर से वॉश नहीं कर रहा हूँ, इंजन से मैंने साफ़ नहीं किया है। तो इसलिए ताकि मैं आपको एग्जैक्टली इसकी कंडीशन दिखा सकूँ कि ये अभी 6 महीने में क्या हुआ है इसके साथ, कहीं से ऑयल लीकेज तो नहीं है, कहीं पे कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉल्ट तो नहीं है। वॉश करेंगे इसको तो वॉश करके हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगे, तो इसलिए मैं इस कंडीशन में इसको रखता हूँ। खैर, आज के बाद मैं इसको धो लूँगा। अभी मैं शुरुआत करता हूँ इसकी कंडीशन से। तो इंजन से देखते हैं, सबसे पहले इंजन में हमें कोई किसी तरह की लीकेज, किसी तरह की ऑयलिंग तो नहीं दिख रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है, किसी तरह का कोई ऑयल आउट नहीं हो रहा है। यमुना, एक मिनट आप चुप बैठ जाओ। ओके, तो ये थी इसकी इंजन की कंडीशन। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैंडल के आसपास कोई लीकेज नहीं है, और यह टायर इसके बहुत अच्छी कंडीशन में है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइलेंसर बिल्कुल ओके है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। और अभी मैं दिखा देता हूँ कितनी चल गई है ये। तो ये आप देख सकते हैं 4,449 किलोमीटर चल गई है, और तीसरी सर्विस का टाइम भी इसका होने वाला है। मैंने 6 महीने में 4,449 किलोमीटर ही चलाई, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा राइड नहीं हो पा रही है आजकल। तो ये थी इसकी कंडीशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसमें मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं। तो गाइस, सच बताऊं तो मुझे अभी तक इसमें कोई खास मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आई थी इसके ब्रेक में, जो कि जाम हो गया था। फिर मैंने यहाँ से इसको ऑयलिंग कराया, इसका नीचे ऑयलिंग की, वायरिंग के अंदर ऑयलिंग की, तो वो ठीक हो गई थी। फिर वो उसके बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे हल्की सी फील होती है इसके अंदर, वो होती है शायद इसकी वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ गई है। हो सकता है इसके इंजन का जो ऑयल है वो पतला हो गया है, जल गया है उस वजह से, या फिर किसी और वजह से, या फिर इसका शायद पीछे का पहिया हल्का सा टेढ़ा हो गया है, कुछ हो सकता है। तो इसकी अब थर्ड सर्विस के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वो वाइब्रेशन किस चीज़ की है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सी है। तो ये मुझे 2 मेजर प्रॉब्लम्स आई है। और कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, मुझे लगता है कि कभी कभी ये बंद हो जाती है, तो वो भी सर्विसिंग के अंडर आ जाएगी और वो कवर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई है मुझे इसके साथ, ज़्यादा कोई खास, कोई बड़ी या मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप मुझसे राय लेंगे कि इसको आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको राय दूंगा दोस्तों, अगर आप 65,000 रुपये की स्प्लेंडर प्लस लेने वाले हैं तो मैं आपको राय दूंगा, आप 65,000 की स्प्लेंडर प्लस नहीं लीजिए, आप 65,000 रुपये की TVS Radeon बाइक ले लीजिए, क्योंकि ये बेटर रहेगी उससे हर तरह से। मैं इसको बैठता हूँ, मुझे सीटिंग पोस्चर इसका बहुत अच्छा है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है, और हाइट इसकी बहुत अच्छी है। मतलब मैं 6 फुट का हूँ, मुझे अभी तक इसको सिटिंग पोस्चर मेरा इतना अच्छा रहता है, इस पर इतने अच्छे से बैठ पाता हूँ मैं, इतने अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 5.5 फुट से लेकर 6 फुट तक के जो लोग हैं, जिनकी लंबी लेग्स होती हैं, लंबी बॉडी होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको 100% हरी झंडी दिखा देता हूँ कि आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप, दो चीज़ें हैं, अगर आपको मतलब रिसेल वैल्यू के हिसाब से मैं अगर आपसे बात करूँ, तो रिसेल वैल्यू देखिए दोस्तों, सुपर स्प्लेंडर की या स्प्लेंडर प्लस की, मतलब हीरो की बाइक्स की रिसेल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, TVS की थोड़ी कम रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी बाइक सेल करते हैं, दोबारा से परचेज कर लेते हैं, तो आपको शायद उसमें कंडीशन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अगर आप बाइक लॉन्ग टर्म रखते हैं, तो मैं राय दूंगा आपको ये ले लीजिए, बेस्ट बाइक है। तो ये रिव्यू था मेरा, इससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक बेखटक, ठीक है। और ये है मेरी बेटी, और हम वीडियो को करेंगे बाय बाय, और सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी।
ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार करते रहें, प्यार देते रहें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। ये क्यों निकाल लिया आपने, कैसे निकाला है जूता? चलो पहन लो इसको, पहन लो प्लीज। ये रही मेरी बेटी यूना, देखो इधर यूना, बाय बाय कर दो सबको कैमरा के साथ। बाय बाय, सी यू, कम सून।